वज़ीरे आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीरे आला ने सैलाबी सूरत हाल के मुस्तकिल तदारक के लिए दरियाए स्वात पर डैम बनाने के लिए सर्वे की हिदायत जारी कर दी। इजलास के मौके पर वज़ीरे आला महमूद खान का कहना था कि डैम की तामीर से बिजली की पैदावार और बंजर जमीनों को काबिले काश बनाया जा सकेगा। काबीना इजलास के दौरान वज़ीरे आला महमूद खान ने सैलाब से मुतासर इलाकों में सर्वे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी और बहाली फौरी यकीनी बनाए जाए। काबीना इजलास में वज़ीरे आला महमूद खान ने वफाक की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए ऐलान करदा 10 अरब रुपए न मिलने पर तश्वीश का इजहार भी किया और कहा कि वफाकी हुकूमत सूबे के महसूलात की अदायगी में ताखीरी के हरबे इस्तेमाल कर रही है। सूबाई काबीना इजलास में वज़ीरे आला ने नए काबीना रुकन बाबर सलीम स्वाति को सूबाई मुशीर दाखिला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी।